मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मैं सिविल डिफेंस का रज़ाकार हूँ। सिविल डिफेंस के रज़ाकार होने की हैसियत से इस्लामाबाद में ये देखता था कि मैं क्या काम करूँ कि किसी के काम आ सकूँ। जब देखा कि बच्चे जो हैं ये गलियों में, बाज़ारों में या मार्केटों में फिरते हैं, या को कागज़ उठाते फिरते देखा, या किसी को गाड़ियाँ साफ़ करते हुए देखा, या किसी को पानी वगैरह बेच फरोख्त करते हुए देखा, दिल ने यही कहा कि ये बच्चे जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आखिर इनका क्या बनेगा, क्यों ना इन बच्चों को लेकर पढ़ाना शुरू कर दूँ। मैंने अपनी इब्तदा जैसी वो सुपर मार्केट से शुरू की, और सुपर मार्केट के अंदर जो बच्चे गाड़ियाँ धो रहे थे, कागज़ चुन रहे थे, उनको वहीं पर बैठा कर पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो उनसे बहस रही, उन्होंने बुरा भला भी कहा, लेकिन मैंने अपने पास से कापी और पेंसिल दिया उनको और वहीं बैठा लिया। जब वो दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से बीस, बीस से सौ की तादाद तक चले गए। तो इसी तरह मार्केट वालों ने भी मुझसे कहा कि मास्टर साहब जो हमारे पास दुकानों में काम करते हैं, क्या आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। मैंने उनको कहा बिल्कुल जी, मेरे पास उनको भेजें, मैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि वो कारोबार के अंदर उनको लिखना, पढ़ना, बोलना इसकी मजबूरी थी, मैंने उन लोगों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तादाद मेरी और भी दो दो तीन तीन साल इस तरह बढ़ गई। बढ़ने से मार्केट वालों ने कहा कि मास्टर साहब किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर खुली जगह हो। मैं तो दो तीन जगह पर गया, लेकिन वहाँ भी यही मसला चलता रहा। लेकिन ये ग्राउंड जो मैंने देखा बहुत गंदा था, ये मैंने यहाँ पर साफ़ किया, और साथ ही यहाँ पर दो बस्तियाँ थी, एक ये सौ क्वार्टर था, ये अपना सैदपुर था, और ये सर्वेंट क्वार्टर थे। तो मैंने अपना मुंतखब यहाँ किया कि क्यों ना यहाँ पर बैठ जाऊँ, इन बच्चों को पढ़ाऊँ, इनकी मदद करूँ। तो यहाँ भी मेरे पास पहले दो बच्चे, दो से चार, चार से बीस, ना इनसे कुछ लेना ना देना, और इनको मैंने तीन घंटे पढ़ाना। जब इतनी तादाद बढ़ती चली गई तो मेरे ही जो मुझसे बच्चे पढ़ के गए हैं उनको मैंने साथ ले लिया कि भई आप जो क्या करते हैं, आए मेरे साथ, मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, और साथ हम भी मिलकर पढ़ाएंगे। मैं तकरीबन ये काम 26 साल से कर रहा हूँ, और इस पहले इस बस्ती के अंदर था, फिर यहाँ इस ग्राउंड में आ गया। यहाँ से मैं 6:30 के बाद छुट्टी करने के बाद बच्चों के घरों में चला जाता हूँ। जो बड़ी बच्चियाँ, बड़े लड़के जो यहाँ नहीं आ सकते, उनको जाके घरों में के अंदर जाके पढ़ाता हूँ, और रात को 10-11 मेरे हो जाते हैं इन बच्चों को पढ़ाते हुए, और इसी तरह मेरा टाइम गुजर जाता है। हज़ारों बच्चे जो हैं वो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी अपने वालदैन से ली। वालदैन के बाद इंतकाल करने के बाद प्राइवेट अपनी एजुकेशन को पूरा किया। एफ़ए तक मैंने अपनी तालीम को लिया, और लेने के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज एक एमए और बीए जो स्कूलों से पढ़ के निकल रहा है, मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरी पढ़ाई के मुताबिक, अब भी मेरे साथ बैठकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इन बच्चों से सीखा, इन बच्चों से को पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते आज मेरी एजुकेशन आप गिन नहीं सकते कि कितनी है। यही काम मेरे और बच्चे जो मेरे साथ पढ़ाते थे मुख्तलिफ जगह पे पढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये मैं अपना समझता हूँ कि मेरा एक मशगला है, मेरा एक शौक़ है, मेरी एक इन बच्चों से मोहब्बत है, एक इन बच्चों से शौक़ है कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश और मेरी जो हिम्मत ये थी कि मैं बच्चों को पढ़ा कर, इन गरीब बच्चों को, इन गंदे बच्चों को पढ़ा कर किसी ऐसी जगह पर ले जाऊँ कि ये कोई बड़े अहदे के ऊपर जाएँ, क्योंकि इनका भी हक है। अगर कोई बड़े तालीम करने वाले, बड़े घरों वाले अगर बच्चे आगे जा सकते हैं, तो क्यों ना इनको भी। मेरे यहाँ से बच्चे पढ़ने वाले कई बड़ी बड़ी जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं, पॉली क्लिनिक में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं, पाँच से पी बिल्डिंग के अंदर हैं, सीडीए के अंदर हैं, और कई नर्सिंग हैं, कई डिस्पेंसर्स हैं, जहाँ से पढ़ के मेरे पास बच्चे जो हैं, कुछ स्कूलों के अंदर टीचर भी हैं। मैं यही मेरे दिल के अंदर अभी कोशिश यही है, और मेरा शौक है कि मैं इनको आगे ले कर चलूँ और इनको पढ़ाऊँ, और इनमें से कोई ना कुछ बड़े जो हैं बन सकें। बाकी रही बात यह कि पाकिस्तान के लिए अगर हम सब मिलकर, हर घर का एक एक बंदा हर रोज एक लफ्ज़ भी एक अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्त को पढ़ा दे, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर तालीम फैल जाएगी, घर घर तालीम हो जाएगी, और पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान बढ़ेगा। हम जैसे कि आपको पता, सर सैयद अहमद खान इस बेड़े को लेकर उठे थे, और उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, और कितने पढ़े, कहां कहां तक कॉलेज गए। तो हम अगर मिल जाएं, आ जाएं, आज के कल के आज को हम बदल डालें और ये काम रल मिल के करें, तो मेरा ख्याल है तालीम भी कोई कमी नहीं है, तालीम आप फैला सकते हैं। मैं बच्चों के लिए भी
और लोगों के लिए भी मैं यही पैगाम दूंगा कि मास्टर अय्यूब का ये पैगाम है कि तालीम को आगे लेके चलें, आगे बढ़ें, और अपने उन लोगों को जो बेचारे पढ़ नहीं सकते, स्कूलों में नहीं आ सकते, या सैलाब के अंदर घिरे हुए हैं, या किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, उनकी मदद करें और तालीम को उनको आगे लेके जाएं।